कोविड के नियमों का पाठ पढ़ाने सड़क पर निकले बाजार चौकी इंचार्ज। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उधम सिंह नगर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें खडीमा की तो खडीमा में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह दिख रहे हैं। ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जिसको देखकर आज खडीमा बाजार चौकी इंचार्ज होशियार सिंह अपनी टीम के साथ खडीमा बाजार में कोविड के नियमों का पाठ पढ़ाने निकले, जहां पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे लोगों पर शिकंजा कसा। पुलिस की इस कड़ी कार्रवाई से बिना मास्क घूम रहे लोगों ने रुमाल या अन्य चीजों से अपना मुंह ढकना शुरू कर दिया। वहीं इंचार्ज होशियार सिंह ने पुरानी तहसील रोड और थारू राजकीय इंटर कॉलेज रोड पर भी दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर रहे लोगों की जमकर फटकार लगाई, साथ ही उनके भी पुलिस द्वारा चालान काटे गए। आपको बता दें कि दुकान के बाहर दुकानदारों द्वारा फड़ या ठेले वालों को खड़ा किया जाता है, जिससे दुकानदार द्वारा फड़ वालों से मोटी रकम भी वसूली जाती है। दुकान के आगे फड़ या ठेले लगने से पैदल चलने वालों का चलना तक दूभर हो जाता है। उसी को देखते हुए आज बाजार पुलिस ने लगभग 50 से ज्यादा चालान काटे। वहीं जब इस मामले में खडीमा की आवाज न्यूज ने खडीमा सीओ भूपेंद्र भंडारी से बात की तो उन्होंने बताया कि कोविड के मामले लगातार उधम सिंह नगर और खडीमा में बढ़ रहे हैं, जिसका पालन कराने के लिए बिना मास्क घूम रहे लोगों पर सख्ती की जा रही है। वहीं सीओ भंडारी ने बताया कि बाजारों में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे पैदल चलने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों पर कितना असर पड़ता है। इस समय जो कोविड का ज्यादा जो है वो फैल रहा है, कोविड इसमें ओमिक्रॉन नाम से जो है ज़्यादा हुआ है, और यहाँ जनपद में भी और अपने खटीमा क्षेत्र में भी ये इसके जो है ज़्यादा इस समय संक्रमित लोग हो रहे हैं। तो इसमें तो हम लोगों को विशेष तौर पर वैसे ही बिना चालान काटे ही लोगों को जो है इसमें ज्ञान होना चाहिए, मास्क लगा करके चलना चाहिए, उनको सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, 6 गज की दूरी जो नियम बने हुए हैं कोविड के उसका पालन करना चाहिए। जो पालन नहीं कर रहा है, हमें भी शासन से ये आदेश है कि जो है इसकी रोकथाम करने के लिए जो लोग इन चीज़ का प्रयोग नहीं करता है तो उसके जो है चालान काटे जाएंगे। हमारे खटीमा क्षेत्र में ज़्यादा तौर पर हम इसको प्रभावी कर रहे हैं ताकि लोगों पर ये इसका संक्रमण ज़्यादा न फैले। संक्रमण में खटीमा क्षेत्र में जब से आया हूँ यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि ज़्यादा जो है लोग सड़कों के किनारे पर ही अपनी ठेलियाँ और दुकानदार जो है बाहर सामान फैला दे रहे हैं। उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि जो है इस जो जाम की स्थिति बनी रहती है खटीमा में, उसको जो है आप लोगों के सहयोग से इसको दूर किया जाए, और ज़्यादा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटे थोड़ा बहुत, अपने साइटों में लगाएं, अगर रोड को भी खाली कर देंगे तो हमारा यातायात बाधित नहीं होगा।